हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल वैष्णव आज फिर से आज एक नया वीडियो देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा ब्लैंक पेपर प्रिंट निकल रहा है एकदम बिल्कुल। आप प्रिंट हेड क्लीनिंग करते हैं, पावरिंग फ्लशिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी आपके पेपर ब्लैंक निकलता है। देखिए कैसे ब्लैंक निकलता है। ये प्रिंटर का मॉडल नंबर है L110। आप L110 या 120 या 220 360 इस पे कोई भी मॉडल पे न जाएं, सब एप्सन के प्रिंटर में प्रॉब्लम सेम होती है और उसका सॉल्यूशन सेम होता है, सबका बोर्ड लगभग सेम होता है। तो आप ये ना देखें कि ये L110 है, आप ये देखिए ये एप्सन का प्रिंटर है, सबका सॉल्यूशन सेम रहेगा। ये देखिए मैं टेस्ट पेज दे रहा हूं, इसको मैंने खोल रखा ऑलरेडी। ये एक्चुअली बोर्ड की प्रॉब्लम होती है और उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं मैं पहले आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूं, फिर सॉल्यूशन दिखाऊंगा। एप्सन का कोई भी प्रिंटर हो, कोई भी, सब में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन सेम रहेगा। आप हेड क्लीनिंग करते हो कई बार बाद में बिल्कुल ब्लैंक पेपर निकालता है, और कई बार ब्लैंक पेपर निकालता है लेकिन ब्लैंक कैसे, कोई भी कलर का एक भी डॉट नहीं आना चाहिए तब ये करना है। अगर कोई भी कलर का एक भी डॉट आ रहा है तब फ्यूज को शॉर्ट ना करें, वो फ्यूज की प्रॉब्लम नहीं है, फिर हेड की चौक होने की प्रॉब्लम है, हेड में नोजल जाम हो रखा है। अगर बिल्कुल ब्लैंक पेज निकाल रहा है, देखिए अभी ये प्रिंट रेडी हो रहा है और ये प्रिंट देगा, अभी ये प्रिंट हेड रन हो रहा है बकायदा, पूरा प्रॉपर रन होगा लेकिन प्रिंट कुछ भी नहीं आएगा, जीरो प्रिंट। ये देखिए कुछ भी, किसी भी कलर का कुछ भी नहीं छपा है, तब ये समझ लें कि अपने बोर्ड की प्रॉब्लम है। अब इसमें हेड में नोजल जाम की कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारे नोजल एक साथ में जाम नहीं होते, कुछ ना कुछ प्रिंट तो निकालेगा ही निकालेगा, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टकट तरीके से आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे रिपेयर होगा। ये चिपड़ी है ट्वीजर और इसमें देखिए मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये ब्लैंक पेज निकाल रहा था, अब आपको इसको कैसे ठीक करना है। ये देखिए मैं आपको फ्यूज दिखा देता हूँ, L110 में पीछे ही आता है और लगभग कई मॉडलों में पीछे आता है। ये देखिए ये बोर्ड है और F1 लिखा रहेगा उसमें पीछे, और ये देखिए आप देखेंगे तो पता चल जाएगा ये F1 लिखा हुआ है, ये देखिए। और इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट्स है वो फ्यूज है, इसको शॉर्ट करेंगे दोनों तरफ से। कैसे शॉर्ट करेंगे, मैं एक बार टेम्परेरी कर रहा हूं, आप ऐसे करने की कोशिश ना करें, आप इसको प्रिंटर को बंद करके और फिर शॉर्ट करें। शॉर्ट का मतलब है दोनों तरफ से सोल्डरिंग कर दें, एक वायर लें और दोनों तरफ से इसको टच कर दें और सोल्डरिंग कर दें, उसके बाद में प्रिंटर को चला के दिखाएं। मैं आपको एक बार टेम्परेरी करके दिखा रहा हूं ये प्रिंट, ये देखिए। अब मैं यहां से प्रिंट दे रहा हूं, प्रिंट देखिए मैं शॉर्ट कर, मैं इसको शॉर्ट करके रख रहा हूं, ये भाई प्रिंट दे रहा है इसको। ये मैंने टेस्ट पेज दिया है इसका, ये देखिए मैंने टेस्ट पेज दे दिया है, प्रिंटर रेडी हो रहा है और यहां से मैंने शॉर्ट कर दिया है इसको फ्यूज को। आप ऐसा ना करें, आप तो दोनों तरफ से शॉर्ट करके बाद में चलाएं। ये देखिए प्रिंट आने लग गया फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये वही प्रिंटर है जो अभी कुछ नहीं दे रहा था और अब दे रहा है। इसका परमानेंट इलाज मैं कर दूंगा और वो भी बता दूंगा। अगर आप किसी को प्रिंटर रीसेट करवाना है, जैसे रेड लाइट 1x1 ब्लिंक कर रही है, रीसेट करवाना है तो आप मेरे नंबर पे कॉल करिए, कॉल नंबर में नीचे मेंशन कर दूंगा। कोई भी प्रिंटर हो 380 360 220 आप मेरे को कॉल करिए और मैं आपको प्रिंटर रीसेट करके दूंगा। और ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, प्लीज इसके लिए कॉल ना करें, क्योंकि ये सॉल्यूशन जितना मेरे को आता है मैं बता चुका हूँ, और आप फोन भी करेंगे तो भी यही बता पाऊंगा। अगर आपको प्रिंटर रीसेट करवाना है या सर्विस रिक्वायर्ड प्रिंटर इंक पेड इज एंड ऑफ सर्विस लाइफ ये आ रहा है तो मैं आपको सॉल्यूशन करके दूंगा, उसके लिए आप मेरे को जरूर कॉल करिए। और ये देखिए मैं अब इसका परमानेंट इलाज कर रहा हूँ सोल्डरिंग आयरन से, वो भी करके दिखा देता हूँ। ये 210 का बोर्ड है, ये देखिए ये आ रहा फ्यूज इसका, ये F1 लिखा रहा, ये बोर्ड पे ढूंढ ले आराम से, और पता रहे ये ध्यान रहे कि इसके टच नहीं हो, सिर्फ ये शॉर्ट करना है,
इसको सॉर्ट करना है, दूसरा नहीं टच करना है, F1 के जस्ट नीचे वाला। और हर बोर्ड में आपको फ्यूज कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फ्यूज बांधना तभी है जब आपके बिल्कुल जीरो प्रिंट आए, कुछ भी प्रिंट नहीं है, तभी करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इसको सोल्डरिंग कर रहा हूँ। देखिए, इसको सोल्डरिंग कर रहा हूँ दोनों तरफ से, ये मैंने इसको बराबर कर दिया है, बस ये हो गया है अपना रेडी, और कुछ भी नहीं है। अब अगर आप कहीं रिपेयर कराने जाते हो ना, तो उसके अगले की आंखों में डॉलर बन जाते हैं और आपके डॉलर निकल जाते हैं। ये रिपेयरिंग का काम इतना सा है बस। अब इसके लिए आप प्लीज मेरे को कॉल ना करें। अगर आपके प्रिंटर में सर्विस रिक्वायर्ड या द प्रिंटर इंक पेड एंड ऑफ सर्विस लाइफ लिखा रहा है, तभी आप मेरे को कॉल करें, मैं उसको रीसेट कर दूंगा। क्योंकि मैं हार्डवेयर की प्रॉब्लम यहाँ से बेटा सही नहीं कर सकता, मैं सॉफ्टवेयर कर सकता हूँ। सॉफ्टवेयर के लिए आप मेरे को कॉल करिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। ये मैंने देखिए कैसे इसको किया है, ये देखिए, ये दोनों तरफ से मैंने सोल्डरिंग को टच कर दिया है इसको, पार्ट्स को, और इसके कहीं भी टच नहीं होना चाहिए। ये कंडेंसर है और ये दोनों तरफ से कर दिया है। अब मैं आपको प्रिंट निकाल के दिखा देता हूँ। ये सेट कर दिया वापस, प्रिंटर को ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हो गया। और ये ब्लैंक पे निकाल, ये देखिए इस साइड में हमने प्रिंट कर रखा है, लेकिन कलर वाला कुछ नहीं आ रखा है, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पे मैंने सोल्डरिंग ये टच किया था, तब शायद प्रॉपर टच नहीं हुआ था इसके कारण। और ये ब्लैंक पेज है, ये मैंने डाला और ये मैं प्रिंट दे रहा हूँ। ये देखिए इसकी प्रिंट की क्वालिटी, एक मैं हाई कर रहा हूँ एक बार, ओके, और ये प्रिंटर रेडी हो रहा है। और ये मैंने टेस्ट पेज दे दिया है, बहुत आसान है। कई बार इस चक्कर में आप बोर्ड और हेड दोनों चेंज करवा लेते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये बहुत महंगा आता है और काम बहुत छोटा रहता है। ये भी रेडी होके, एक्चुअली वो बंद करके चालू किया तो ये क्लीनिंग करने लग गया था ऑटोमेटिकली। और ये अभी पेपर उठाएगा, पेपर उठा दे, फर्स्ट क्लास प्रिंट आएगा मेरे हिसाब से। इसमें कुछ एक प्रॉब्लम और होती है, कई बार होती है कि तीनों लाइटें साथ में जलने लग जाती है। इस साइड में सेंसर होता है, इसको भी साफ करना पड़ता है, ये ट्रांसपेरेंट एक गिरा रही है तो उसको साफ करना पड़ता है। अभी देखिए इसने पेपर ले लिया आराम से, और ये प्रिंट की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्रिंट निकल रहा है, कोई भी दिक्कत, किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं है, ये आपके सामने चल रहा है, ये देखिए। और ये यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है, तो ये अपना प्रिंटर रेडी हो चुका है, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं बची है, बस वो फ्यूज के कारण आपको कई बार हेड और बोर्ड दोनों चेंज करवाना पड़ सकता है, हेड और बोर्ड दोनों चेंज करवाना पड़ सकता है। और ये रेडी हो गया है, कुछ भी चेंज करवाने की जरूरत नहीं है इस बाइक के, ये मेरे सामने ही रहता है, और इसका प्रिंटर खराब हुआ था, इस बाइक के सिर्फ पानी पता चलेंगे।
काम हो गया, धन्यवाद। अगर आप मेरे आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज्यादा भाइयों का फायदा हो सके और उसमें से एक भाई मैं हूँ। धन्यवाद।